यार स्पेशली अगर आपको सोलो के अंदर ग्रैंड मास्टर जाना है ना, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग करंट रैंक मेरे देख सकते हो, ग्रैंड मास्टर पे हूँ मैं, तो मैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा उसको आप लोग अगर 100% फॉलो करोगे ना, तो भाई मेरा लिख के ले लो, इस सीजन या अगले सीजन भी तुम्हारा ग्रैंड मास्टर लगेगा, लेकिन मेहनत तुम्हारे ऊपर होगी। जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, अपनी सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स मैं रिवील करूंगा, वो भी पूरे के पूरे गेम प्ले के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा ए टू जेड चीजें। बॉट लॉबी जब मेरी आती है वो कैसे मैं खेलता हूँ, मेरी अच्छी लॉबी आती है तो तब मैं कहाँ कैसे लैंड करता हूँ, प्रॉपर मैं आपको दिखाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। सो यार मैं ना मतलब इतना ही बोलना चाहूंगा बस, यार आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग ही डिमांड कर रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स डालो ब्रो। तो यार फाइनली टिप्स एंड ट्रिक्स आ चुकी है, सो भाई यार इस पर सपोर्ट जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सर नहीं वेस्ट ना करते हुए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। यार गेम स्टार्ट करने से पहले ना मैं दो करेक्टर स्किल आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि यार करेक्टर स्किल की वजह से हमारे 20% गेम जो हम स्टार्टिंग के अंदर इवेंट कर लेते हैं। तो यार मैं दो करेक्टर स्किल ना जो आपको सजेस्ट करूंगा, एक तो करेक्टर स्किल के अंदर आपको तात्सुया लेना है, ठीक है। या तो एक के अंदर आप तात्सुया वगैरह आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये वाले करेक्टर स्किल ले लो, या फिर ये राइट हैंड साइड वाली ले लो, ठीक है। राइट हैंड साइड के अंदर क्या है, द्रिमिति और सोनिया करेक्टर है, इसको आप लोग जो है हो सके तो सोलो के अंदर थोड़ा अवॉइड करना, लेकिन अगर आप लोग डू और स्क्वाड ज्यादा खेलते हो तो ये सोनिया और द्रिमिति आपके लिए बिल्कुल भगवान का काम करने वाला है। तो आप ये करेक्टर की स्किल लेके जरूर खेल सकते हो, और सोलो के अंदर मैं प्रेफर करूंगा यार आप लोग जो तात्सुया लेके खेलो। और जो बंदे जो है बहुत ही ज्यादा जोन कैंपिंग करते हैं तो भाई उनके लिए ये वीडियो नहीं बनी है, क्योंकि मैं जोन कैंपिंग में करता ही नहीं हूं। मैं आपको ना सबसे अच्छी सच्ची पूरा का पूरा गेम प्ले के साथ बताने वाला हूं कि मैं कहां कैसे लैंड करता हूं, और तात्सुया करेक्टर के साथ ही, ठीक है। तो के करेक्टर वालों यार सो सॉरी उसके लिए ब्रो, लेकिन आप के करेक्टर का भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपकी रशिंग स्किल उसमें अच्छी नहीं होगी। सो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको लैंड वगैरह कौन से मैप में कहां करना है, मतलब बॉट लॉबी में और अच्छी लॉबी में कैसे लैंड करना है। अब यार 20% तो हमने गेम जो है करेक्टर स्किल करके ही जो है जीत लिया, ठीक है। अब जो है हम लोग 20% जो है अपना लैंडिंग करके गेम को विन करेंगे, ठीक है। जब भी कभी आपकी बॉट लॉबी आए तो सिंपल सा क्या करो यार, ब्लू जोन होता है ना, ब्लू जोन, बस ब्लू जोन के अंदर उतर जाओ अंधाधुन, ठीक है, अंधाधुन उतर जाओ। क्योंकि एक मिनट जो भी होता है वो रिवाइवल वाला, एक मिनट तक जो है वो रिवाइवल वाला रहेगा, तो वहाँ पे आपको सर्वाइव करना है एक मिनट तक, और जैसे ही आपका एक मिनट कंप्लीट हो जाता है तो उसी टाइम जो है ब्लू जोन से आपको निकल जाना है, ठीक है। ये बेस्ट स्ट्रेटजी है, बॉट लॉबी के अंदर भी आप लोगों को बॉट भी मार के जा सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं हम कह सकते, ठीक है। तो उसके बाद जो है अब अच्छे जब आपकी लॉबी आ जाती है, बहुत ही अच्छी लॉबी आ जाती है, मतलब मान लो रीजन के प्लेयर आ गए हैं, ठीक है, ग्रैंड मास्टर की पूरी लॉबी आ चुकी है, तो उसके अंदर आप लोग लैंड कहाँ करोगे, तो यार उसके अंदर भी आप ना एक ऐसी जगह के अंदर लैंड करोगे जहाँ पे कोई बंदा आपको देखने को नहीं मिलेगा, और बाय एनी चांस अगर वहाँ पे बंदा आ जाता है, जैसे कि इसमें आपके अंदर मैं केप टाउन में लैंड किया एंड यहाँ पे जो है बंदा आ गया था मेरे पास ही, तो यहाँ पे मैंने इसको इजीली जो है यहाँ पे एक्सएमएट उठा करके मैंने मार दिया, मेरे साथ साथ ही चल रहा था। लेकिन अगर आपके साथ हर बार ये सिचुएशन नहीं होगी, हो सकता है आप मर जाओ, लेकिन उसके ऊपर टेंशन नहीं लेनी है। स्टार्टिंग के अंदर ना आप लोगों को रिवाइव मिल जाता है एक मिनट के अंदर अंदर, और उसके ना बिल्कुल ही भरोसे नहीं रहना कि आप रिवाइवल हो ही जाओगे, क्योंकि मैंने यार 2-4 गेम के अंदर हारा भी हूँ इसी चक्कर में, माइनस भी लगा मेरा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मेरे पास रिवाइवल वाला है, तो और वो रिवाइवल वाले के चक्कर में मर गया क्योंकि वो हट चुका था। अब हम लोगों ने 40% करेक्ट जो है गेम जीत ही लिया है। अब जो है इस 20% में आप लोगों को थोड़े से चांसेस और बढ़ा देता हूँ। यार काफी सारे बंदों को ना रशिंग की स्किल नहीं आती है ब्रो, देखो चाहे आप सोलो खेलो, चाहे आप डुओ खेलो, चाहे आप स्क्वाड खेलो, कोई मैटर नहीं करता है, आपको रश करना आना ही चाहिए, ठीक है। सर्वाइव करना भी सिखाऊंगा मैं, लेकिन रश करना मेरी बात सुन लो, ठीक है। रशिंग के लिए तात्सुया करेक्टर बहुत अच्छा है, मैंने डेडिकेटेडली वीडियो बना रखी है तात्सुया करेक्टर पे, आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हो, या फिर आप ये क्लिप भी देख सकते हो जहाँ पे मेरे थर्ड पार्टी हो रखा है, लेकिन मैं तात्सुया करेक्टर की वजह से बच गया, ठीक है। नहीं तो आपने मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो। अब यार मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग सर्वाइव कैसे करोगे। यार सर्वाइविंग के लिए ना बेसिकली ना आपको क्या करना है, जब आपकी हार्ड लॉबी आती है ना, तो ना आपको बिल्कुल जोन के साथ साथ चलना है। जैसे कि आप यहाँ पे मेरा गेम देख सकते हो पीछे बैकग्राउंड में जो चल रहा है, यहाँ पे मेरी बहुत ही ज़्यादा हार्ड लॉबी आई थी, तो मैं क्या करता हूँ ना यार, यहाँ पे मैं जो है पीछे पीछे की साइड में बिल्कुल चिपक चिपक के चला जाता हूँ। मतलब मैं वहाँ से केप टाउन में उतरा था, केप टाउन से फिर मैं मिल की साइड में गया, फिर मिल के साइड में नीचे की साइड में बंदा था, तो मैं वहाँ से निकल के अब जो है मैं नीचे डैम वाली साइड में जा रहा हूँ। तो ऐसे ही करते करते ना यार मैं पूरा गेम जो है सर्वाइव करके खेलने वाला हूँ, मैं बिल्कुल भी रश नहीं करने वाला हूँ, और मेरे को ऑलरेडी मैप के अंदर पता चल चुका है कि मेरा जोन कहाँ बनने वाला है, तो मैं और ही रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। क्योंकि जब आपको पता चल चुका है कि जोन कहाँ बनने वाला है, तो वहाँ पे जाके पहले ही बैठ जाओ, ठीक है, ताकि आपको और इजीली जो है किल वगैरह वहाँ पे मिल जाए। अब हम लोगों ने यार जो यहाँ पे 20% और कर लिया, तो मतलब हमारे यहाँ पे कितना हो चुका है 60% हम लोग जो है गेम को विन कर चुके हैं रश और सर्वाइविंग करके, ठीक है। तो अब जो है मैं आप लोगों को एक और स्किल बता देता हूँ कि आप ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, आप लोगों को जो है किल कैसे निकालने, यार मतलब रशिंग वगैरह तो वो सब कुछ तो साइड में रख दो, आपको जो है किल कैसे निकालने सोलो के अंदर बेसिकली।
अब यार मेरे को मेजर ऑफ जो मेरी ऑडियंस है मुझे पता है कि उनका ग्रैंड मास्टर नहीं लगा है, लेकिन अगर आपका ग्रैंड मास्टर लग चुका है तो आप लोग जो है ना टॉप 20 के अंदर आके इजीली बंदे मार सकते हो। लेकिन अगर आपका ग्रैंड मास्टर नहीं लगा है और आप मास्टर या फिर हीरोइक के अंदर हो, मतलब हीरोइक से लेके मास्टर 5 स्टार के बीच पर हो, तो आप लोग एक स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो जो कि मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करी अपने टाइम पर। यार मैं ना टॉप 15 के अंदर आके जो है बंदे मारने चालू करता था, मैं टॉप 15 तक जो है फाइट लेता ही नहीं था, मतलब जोन में जाके बैठ जाता था, धीरे धीरे जोन कवर करता था अपना, जोन के अंदर ही रहता था। और उस टाइम पे जो है मैं के करेक्टर का यूज़ करता था, के साथ मैं मीशा करेक्टर का भी यूज़ करता था, मीशा करेक्टर भी बहुत तगड़ी करेक्टर है, ठीक है। और उसके अलावा फॉर्ड लगा लोगे तो भाई आपके बल्ले बल्ले, सच्ची बता रहा हूँ मैं, फॉर्ड करेक्टर और भी हो जाता, ओपी कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको एक करेक्टर स्किल बता दी है। तो अब जो है हम लोगों ने 80% जो अपना गेम जीत लिया है। अब मैं 20% आप लोगों को बताता हूँ कि 20% आखिरी का कि वो क्या है, मतलब कैसे आप लोग जो है ग्रैंड मास्टर लगाओगे ही लगाओगे इस 20% की हेल्प से। अब यार आखिरी के अंदर आपको अगर गेम को जीतना है या फिर आपको जो है अपना ग्रैंड मास्टर रैंक अचीव करना है, तो उसके लिए आपका ना गुड मेंटेलिटी का हेल्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ आपकी मेंटेलिटी बहुत मैटर करती है कि आप क्या सोच के गेम खेल रहे हो और आपकी जो है मेहनत, ठीक है। जो यार लोग ग्रैंड मास्टर पे बैठे हुए हैं ना, चाहे वो सोलो में हो चाहे डुओ स्क्वाड किसी में भी बैठे हुए हो, लेकिन उसके अंदर उस बंदे की मेहनत देखो आप जाके, मतलब 12-12 हज़ार, 15-15, 20-40 हज़ार स्कोर करना हलवा नहीं है भाई। बोलने में आसान लगता है कि 40-40 हज़ार बंदे ने स्कोर करा हुआ है, लेकिन भाई जब आप करने बैठोगे ना आपको ना मतलब ऐसा लगेगा कि क्या है भाई ये, मैं ना अपना कुछ कर पा रहा हूँ, काम वगैरह कुछ भी ना पढ़ पा रहा हूँ ना मैं कुछ कर पा रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों के साथ हो जाएगी अगर आप लोग ग्रैंड मास्टर पुश करने बैठ रहे हो, तो आपको पहले ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि भाई अब मैं अगर ग्रैंड मास्टर करने बैठ रहा हूँ तो मेरे को डेली की डेली जो है गेम खेलनी है। एटलीस्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरी आईडी जब तक मैं ग्रैंड मास्टर पे नहीं था कितने टाइम ऑनलाइन थी, बहुत बंदे पूछते हैं, मेरी आईडी भाई 16 घंटे ऑनलाइन रहती थी, ठीक है। इसका मैं सीक्रेट बताऊंगा कि कैसे रहती थी बाद में कभी। और उसके अलावा मैं जो है अब ग्रैंड मास्टर पे, तो मेरी अब आईडी कितने टाइम ऑनलाइन रहती है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अब यार मुझे नहीं पता कि मेरी आईडी कितने घंटे ऑनलाइन रहती है, लेकिन मैं जो है दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 100 का प्लस करने आता हूँ। मैं जैसे ही ग्रैंड मास्टर पे उतर जाता हूँ ना, ग्रैंड मास्टर से उतर जाता हूँ, अपना जो है मास्टर 5 पे आ जाता हूँ, उसी टाइम मैं दोबारा से रैंक पुशिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पे टाइम मिलता नहीं यार। मैं आप लोगों को जो है सीएस की सीरीज भी दिखाऊंगा, इस वजह से जो है मैं सीएस के अंदर भी पुश कर रहा हूँ और बीआर के अंदर तो कर ही रहा हूँ, मतलब लगा हुआ ही है। तो बीआर के अंदर तो मैं पूरा सीजन रहूँगा और पूरी सीरीज लेके आऊँगा, लेकिन हम जो है सीएस के अंदर भी इस बार ही ट्राई करने वाले हैं। सो यार और एक और मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट देखने को मिलता है कि भाई आपके पास कौन सा फ़ोन है, तो यार मेरे पास 2 फ़ोन है, मतलब फ़ोन तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मैं 2 बेसिकली गेम को शूट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, गेम खेलने के लिए यूज़ करता हूँ। मेरे पास एक फ़ोन है पोको M5, ठीक है, जिससे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो है अपना नॉर्मल गेम प्ले करता हूँ, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करता हूँ उसे, रिकॉर्डिंग मैं अपने पोको X5 प्रो वाले फ़ोन से करता हूँ, ठीक है। वो मेरा फ़ोन है गाइस, एक फ़ोन है मेरा 256 GB और एक मेरा फ़ोन है 128 GB, ठीक है, जो पोको M5 वाला है। तो मैं 2 फ़ोन ही यूज़ करता हूँ यार, और आप लोग भी अगर ग्रैंड मास्टर लगाना चाहते हो तो एटलीस्ट आपके पास 2 फ़ोन होने चाहिए, ताकि आपका एक फ़ोन के अंदर चार्ज खत्म हो जाए तो दूसरे के अंदर आप लोग शिफ्ट कर सकते हो, या फिर आपको जो है अपना एक दोस्त ढूंढना पड़ेगा जिसके साथ आप रैंक पुशिंग कर पाओ। और मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा कि आपको दोस्त कैसे मिलेगा, क्या होगा। सो यार होपफुली ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है मेरी सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को, मतलब सीक्रेट इन द सेंस मैं बोलने का, मतलब मैंने आपको जैसे समझाया ना, इनको जो है दिमाग के अंदर अपने डाल लो, ठीक है, A to Z बात को। कुछ समझना है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हो। उसके अलावा यार अगर आपका कोई भी टॉपिक रिलेटेड आपको जो है वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं बना दूंगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय।